जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है बेहद खास, क्योंकि सोमती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाया जाता है तथा पीपल, आंवला, तुलसी की फेरी लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इन तीनों ही विषयों की जानकारी लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप दे सकते हैं। महाराज जी ने अपने प्रवचन के द्वारा बताया है कि पीपल, आंवला और तुलसी की कितनी फेरी लगानी चाहिए तथा लास्ट में आप वीडियो की क्लिप के ड्यूरेशन में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा महाराज जी के वचनों द्वारा कि वो क्या कह रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि महाराज जी की भी क्लिप आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीपल की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी प्रकार के देवी देवता का निवास होता है। यदि घर में किसी का तबीयत खराब है, कोई सदस्य बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो उसे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और बात ये भी आ जाती है, अगर उस बंदे की तबीयत ही खराब है तो 108 की परिक्रमा कैसे कर सकता है। तो अगर नहीं कर सकता है तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं तथा उनके लिए, उनके परिवार के सदस्य भी उनके नाम के लिए, उनकी कुशलता के लिए वो परिक्रमा कर सकते हैं। इस दौरान जिसका तबीयत खराब है उसकी स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर परिक्रमा करना चाहिए। तो ये तो रहा कि पीपल की पेड़ की आपको इस तरीके से परिक्रमा करना चाहिए, अगर स्वास्थ्य से निमित्त अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो, अथवा आप ऐसे ही आप परिक्रमा कर रहे हैं अपनी सुख समृद्धि के लिए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर पीपल की परिक्रमा कीजिए। कार्तिक के महीने में नारायण की भक्ति की जाती है तथा हरि हर का मिलन होता है। और महाराज जी का प्रवचन आज के भी चल रहा है हरिहर के ही मिलन में, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हैं। अब आती है बाड़ी आंवले की। तो आंवले की परिक्रमा कब करनी चाहिए? तो सभी लोग आंवले की पूजा केवल कार्तिक में जो नवमी आता है, आंवला नवमी, उसी दिन करते हैं। लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई विशेष परिस्थिति फंस गई है, अगर आप हो हैं उसमें प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और कार्तिक का आंवला नवमी आने में बहुत अगर देरी है, अभी तो संजोग बस कार्तिक का आंवला नवमी आने ही वाला है और एक कभी परसों भी नवमी आने वाली है, तो महाराज जी तो बता रहे हैं आप किसी भी नवमी पर आंवला के वृक्ष की आप 108 परिक्रमा करें अथवा आप शक्ति के अनुसार आप उसमें परिक्रमा करें। 8 बार उसमें आपको कच्चा सूत लपेटना चाहिए। पूजा सामग्री जैसे आप पूजा कर रहे हैं आप वैसे पूजा कीजिए, अथवा उसमें आप जल, कच्चा दूध से पूजा कीजिए, रोली अक्षत फूल चढ़ाइए तथा उसमें मूली की 8 परिक्रमा कीजिए। 8 परिक्रमा करने के बाद जो मूली बच जाते हैं उसे आप तोड़िए नहीं, उस मूली को आप पूरे साबत के साबत उस मूली को वृक्ष में छोड़ देना है। दूसरा एक मूली रखना है, उसे आप एक टहनी में और अलग से बांध दें। वो आप दशमी तिथि के दिन जाकर उस मूली के धागे को खोल लाएं और लाकर आप उस व्यक्ति को दे जो कि इंटरव्यू में जा रहा हो, अथवा वो चाहता है कि उसके कार्य सफल हो तो उसके लिए वो आप मूली ले लें और वो बांध कर अगर वो काम करेंगे तो निश्चित ही रूप से सफलता प्राप्त होगी। तथा आंवले वृक्ष के नीचे आप कुछ मीठा प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। अब चलते हैं तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो तुलसी की परिक्रमा करते वक्त हमें ये नियम अपनाना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करने से पहले व्यक्ति को भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और उसके बाद तुलसी के पौधे में आपको जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाया जा सकता है और एक जगह खड़े होकर भी जल चढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केवल 3 परिक्रमा करना चाहिए।
परिक्रमा करते वक्त जल अर्पित भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी से जुड़ी हुई जानकारी एक मैं आपको और बता देती हूँ। हमें किस तरीके की तुलसी का पूजा करना चाहिए? छोटी तुलसी के पूजा से क्या फल प्राप्त होता है? बड़ी तुलसी की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है? जिस तरीके से आंवले, पीपल, बेलपत्र, इन सभी वृक्षों में कम 1000 पत्ते हो तो उस वो वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी तरीके से तुलसी का पत्ता जिसमें चारों ओर से पत्ते हो, न कि केवल एक टहनी हो, वैसे भरी पूरी तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि उसमें जितनी तुलसी में पत्ते होते हैं वो सभी देवियाँ हमें सौभाग्यवती होने की वो आशीर्वाद देती हैं। जब आप कार्तिक महीने में आप छोटी तुलसी लगाकर पूजा करते हैं, वो तो हम अपने घर में, जैसे कन्या हमारी है छोटी, तो उनकी हम पूजा करते हैं, फिर हम उनकी कन्यादान कर देते हैं, इसलिए हम छोटा तुलसी रखते हैं। तथा घर में जो हम पूजा करने के लिए तुलसी, बड़ी तुलसी जो रखते हैं, उसमें हमें घनी भरी हरी भरी तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उसमें जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो सारी पत्तियाँ हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? नीकी की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। तो आशा करते हैं कि आपको परिक्रमा की जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अमावस्या आ रहा है, आंवला रोमी आ रहा है, कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है, इन सब पर हम सभी फेरी लगाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर जानकर अपने शुभ चिंतकों को भी शेयर करें, जिससे कि इस फल का प्राप्त करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय पर, तब तक दे विदा मुझे। मैं शिप्रा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।